दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग्स में। और आज हम आपको लेके आ गए इन खूबसूरत वादियों में। देखिए हमारे पीछे कितना सुनहरा सा मौसम हुआ पड़ा हुआ है, ठंड है हल्की हल्की, और पीछे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों आपको बताऊं, आज हम चल रहे हैं हर्षनाथ के दर्शन के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है संडे, छुट्टियां भी हैं, तो हमने सोचा कि चलो बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं और थोड़ी सी पिकनिक भी हो जाए। तो हमारे बांदरी को देखो क्या कर रहे हैं। पत्थर जी क्या कर रहे हो? पत्थर जी खेल रहे हो? तो दोस्तों चलिए इन खूबसूरत सुनहरे मौसम का मजा भी लेते हैं और आपको बाबा के दर्शन भी करवाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों हर्षनाथ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा मनोरम दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है। भूल गए स्क्रिप्ट। तो फाइनली हम हर्षनाथ टेंपल की तरफ पहुंच रहे हैं और हमें मिल गया है एक छोटी सी हाइट की जगह जहां से हमारे पीछे का प्यारा सा व्यू आ रहा है। आप देखो कितना प्यारा व्यू है हमको। तो चलिए आपको सेकेंड व्यू पॉइंट जो कि यहाँ पे बना हुआ है हट टाइप का, वहाँ भी ले चलते हैं और यहाँ से व्यू देखते हैं। हट पहाड़ी की व्यू कितनी अच्छी आती है, ये देखें। यहाँ काफी लोग रहते भी हैं, आई थिंक जो टेकिंग केयर वाले हैं वो यहाँ रहते भी हैं। यहाँ से ठीक, हाँ यहाँ से अच्छा आ रहा है व्यू, अच्छा लग रहा है ना। साइड में आपके पवन चक्की भी मिल जाएगी, फैन इधर है, हाँ फ्री रोड और पीछे पहाड़ियाँ खूबसूरत। तो फाइनली हम हर्षनाथ टेंपल पहुंच गए हैं। तो पीछे देख रहे होंगे आपका टेंपल दिख रहा है, तो चलिए आइए आपको ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं बाबा हर्षनाथ के। आइए चलो बेटा। हर्षनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं भगवान शिव के। अगर बात की जाए भगवान शिव की, तो इनकी स्थापना यहाँ पर चौहान के जो आपके शासक थे उस समय की गई थी, लगभग 973 ईस्वी में, और इन्हें मुख्य देव के रूप में पूजा गया था। तो चलिए आइए बाबा के भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। बात करें इस मंदिर की, हमारे मन में असीम अनुकंपा रही हुई है, बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद बाबा का प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ के पुजारी जी 3 साल पहले हमें ये बोले थे कि साल भर के अंदर हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये नटखट हर्षनाथ बाबा हमारे घर पधार गए थे, तो जिसकी वजह से हमें इनकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा मेरे मन में भी है और दिल में भी है। तो हमने मन्नत मानी थी कि अगर हमारा ये पूरा होता है सपना, तो हम आके यहाँ पर घी का दान करेंगे, ज्योतिर्मुख घी चढ़ाएंगे। तो हमने मुख्य ज्योत जो होती है बाबा की, उसमें आज हमने घी चढ़ा दिया है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। बाबा से मांगते हैं कि हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और यूँ ही हमें सुख शांति से। तो बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय। तो चलिए अब हम करते हैं पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन। दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ पर बाबा हर्षनाथ जी ने तपस्या की थी।
नंदी पापा, नंदी पापा कान में कुछ बोलते हैं उनके, उस पे नहीं चढ़ते, यहाँ खड़े हो। जब हम आपको हरसिंहनाथ टेम्पल के दर्शन कराने के लिए लाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पुरातत्व विभाग से इसे संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे जो लगभग 1000 साल पुराने हैं। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ईस्वी 973 के स्थापित ये मंदिर है, इसका मतलब 1030 की है ये हजीत, यानी लगभग 1000 साल पुराने ये मंदिर हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी आपके जो कुछ तो खंडित हो गए हैं, पर कुछ आपको अभी भी अवशेष यहाँ मिलेंगे जो कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पुरानी पद्धति से बने हुए हैं। तो चलिए आइए आपको इन सब के भी दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने साल पुरानी ये मंदिर है। सात्विक आइए, ये देखिए कुछ आपके जो प्रतिमाएं यहाँ पे अंकित हैं वो देखिए आप, आपको बहुत ही पुरानी मिलने वाली है। भगवान शिवा है, भगवान शिवा की प्रतिमा देखिए जो खंडित है। एक्चुअली ये मंदिर टूट चुका है, फिर भी अवशेष में आपको लगभग 1000 साल पुराने ये मंदिर मिलेंगे। गणेश बाबा की प्रतिमा है, सात्विक जय जयकार, ये भी आपको नजर आएंगी। खंडित देवी देवताओं की आपको मूर्तियां इसमें जो है अंकित की गई, चित्रकारी जो की गई है बहुत ही अच्छी की गई है, और आज भी अवशेष आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। चलिए आपको ले चलते हैं बाबा हर्षनाथ के समाधि स्थल पर। अभी आप दर्शन कर रहे हैं बाबा हर्षनाथ के समाधि स्थल के। ये दोस्तों अभी तक आपने जेड़ माता के दर्शन किए थे, तो अभी जो हम दर्शन करके आए हैं वो हैं आपके हर्षनाथ बाबा, जो कि जेड़ माता से थोड़ी सी हाइट पे विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप जीड़ माता के दर्शन करते हैं और जब तक हर्ष बाबा के दर्शन नहीं कर लेते हैं तो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए आप सब जब भी जीड़ माता के दर्शन करने आइए तो हर्ष बाबा के दर्शन जरूर करिए। बोलिए हर्ष बाबा की जय। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर हम आ जाते हैं पार्क में, जहाँ पर हम सात्विक के साथ झूले और थोड़ी सी स्लाइडिंग वगैरह करते हैं। सात्विक सही से बैठो, पूरा सही से बैठो, आराम से पकड़ लो, पकड़ लो आराम से। सात्विक यहाँ देखो, पापा की तरफ देखो, ये देखो मजा आ रही है, यहाँ सात्विक लड्डू, ये देखो। तो दोस्तों आपको हर्षनाथ टेम्पल का यह ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।